अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, आज की रेसिपी हम बना रहे हैं आपके लिए कोफ्ते। कोफ्ते बना रहे हैं हम चिकन के कीमे से। सबसे पहले कोफ्तों का सामान मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास 1.5 पाउंड चिकन का कीमा है और 4 से 5 टेबलस्पून मेरे पास बेसन है। और इसके लिए मुझे चाहिए धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून और अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून, 1-1 टीस्पून है। और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून। और ये मेरे पास बादाम है जो मैंने क्रश किए, मेरे पास पाउडर नहीं था, तो आपके पास अगर पाउडर है तो पाउडर डालें। और नमक है 1 टेबलस्पून और इसके अंदर धनिया जाएगा और हरी मिर्चें और लाल मिर्चें जो भी आपके पास हैं वो डाल लें आप। सबसे पहले ये बनाते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, फिर दूसरा स्टेप बताती हूँ। पहले सबसे आपने क्या करना है कि ये मोटा मोटा मैं डंडियों के साथ ही, इनकी स्टेम्स के साथ ही धनिया इसको, और आप ऐसे भी डाल सकते हैं चॉपर में, ऐसे डाल दिया आपने। 2-3 हरी मिर्चें लाल मिर्चें डाल दी आपने। और मैं इसमें ही सारा ये मसाला डाल रही हूँ। ये बादाम है जो मैंने क्रश किए हैं, आप पाउडर लीजिएगा प्लीज। अब मैं इसके अंदर ये कीमा डाल रही हूँ। कीमे में आप कोशिश कीजिए कि बिल्कुल भी पानी ना हो, क्योंकि जिनको कंप्लेन है कि उनके कोफ्ते टूट जाते हैं, तो अगर पानी होगा तो लाजमी टूटेंगे वो। प्लेन फ्राई पैन लिया, इसमें कुछ भी नहीं डाला। और ये 4 टेबलस्पून मेरे पास बेसन है। आप भुने हुए काले चने का पाउडर अगर आपके पास है वो भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने बेसन लिया है। इसको हल्का सा मैं फ्राई करूंगी, भूनूंगी, फ्राई क्या करूंगी, इसको हल्का सा, जस्ट बिल्कुल जरा सा आपने करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। और फिर बस मैं उसमें ग्राइंडर में डाल के कीमे के साथ इसको पीस लूंगी। तो ये देखें, थोड़ा सा डार्क कलर हो गया इसका, आपने इसको जलाना नहीं है। एंड ये मैंने सारा इसमें डाल दिया। ये होगा कि हमने ये क्यों डाला है, ये इसलिए डाला है ताकि इससे ये आपके वो जुड़े रहेंगे। जैसे लोगों को कंप्लेन होती है उनका जो कोफ्ते हैं वो टूट जाते हैं, अगर आप ये प्रोसीजर करेंगे और पानी आपका बिल्कुल ड्राई होगा, कोफ्ते बिल्कुल टूटेंगे नहीं। मैंने थोड़ा सा नॉर्मल पानी लिया है, पानी लेके आपने हाथों पे लगाया और आपने कोफ्ता लिया जो आपको साइज चाहिए, जितना भी बड़ा आपको चाहिए, आपकी चॉइस है। आपको छोटे अच्छे लगते हैं छोटे बना लें, बड़े अच्छे लगते हैं बड़े बना लें। मैंने तो अपने हाथ का साइज का बनाया, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, सो इट्स नॉट दैट बिग। अच्छा, पानी अगर आपको लग रहा हो कि पानी से भी स्टिकी हो रहा है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप कैलोरीज की वजह से परेशान है कि ओ ये फ्राई करने पड़ेंगे और फिर उसमें भी ऑयल होगा, तो आपको फ्राई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आप मेरा यकीन कर लें। लेकिन मैं आज फ्राई करूंगी, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको फ्राई करने की जरूरत नहीं, वैसे इनको डाल दें, बस उसमें चमचा नहीं चलाएंगे जब आप डालेंगे। तो मैं तो इनको बना रही हूँ चिकन के साथ, आप इनको बीफ के साथ, मटन के कीमे के साथ, हर चीज के साथ बना सकते हैं।
स्टोव ऑन हो गया है, फ्राई पैन भी ऑन कर दिया गया है और मेरे पास एक कप ऑयल है, आधे से कम डाला मैंने, सो इसी में इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा गर्म हो जाए। फ्राई करके मैं इनको निकालूंगी, आप देखते जाएं फ्राई कर लें, लेकिन आपको फ्राई करने की जरूरत नहीं है, आप जब मसाला को तैयार कर लें उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई कर रही हूँ इनको हल्का हल्का, फ्राई डीप फ्राई नहीं है ये, शैलो फ्राई है, तो सिर्फ ब्राउन करना है मुझे। इनको मैंने तेज आंच पे बस ब्राउन करना है हल्का हल्का, ताकि ये ऑयल से कोटेड हो जाए, और कुछ भी नहीं, कुक ये उसके अंदर होंगे मसाले के अंदर, ताकि इनका फ्लेवर भी उसमें आ जाए। तो आपने रख के इनको इस तरह कर लेना है चारों तरफ से, निकाल रही हूँ। ये देखें पूरा इस तरह से दोनों तरफ से हो गया, मैंने इन्हें फुली कुक नहीं किया क्योंकि इसका फ्लेवर मैं चाहती हूँ कि इसकी सॉस में भी आए, जो हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, तो इसलिए मैंने इसको बस हल्का हल्का फ्राई करके निकाल लिया। तो मैं इन सबको अभी कर रही हूँ। मेरे पास ये तली हुई प्याज है, आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश ऑनियन ले लें, उसको स्लाइस करके उसको आप फ्राई कर लें, तो उसमें कुछ वो नहीं है, तो मैंने इसको लो पे किया और इसमें ये प्याज डाली मैंने। और ये ऑलरेडी ब्राउन है तो इतना ज्यादा ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, तो इसमें मैंने एक टीस्पून लहसुन, एक टीस्पून अदरक और एक टेबलस्पून काजू का पाउडर, और ये कश्मीरी मिर्च है एक टीस्पून, बादाम का पाउडर है एक टीस्पून, गरम मसाला है एक टीस्पून, ये मेरे पास कोकोनट का पाउडर है एक टेबलस्पून, दो टीस्पून मेरे पास धनिया का पाउडर है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्चें हैं, 1.5 टीस्पून मेरे पास नमक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट इसमें जा रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला जल ना जाए। थोड़ा सा पानी और जाएगा क्योंकि अभी ये लग रहा है कि 7 बजे। तीन से चार मिनट अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से भून जाए। और ये देखें ये प्याज तली हुई थी तो ऑलरेडी ये पेस्ट की शक्ल में हो गई है, तो खूब अच्छी तरह से आप भून लें ताकि कोई इसमें कच्चापन ना रहे आपका। 4 से 5 मिनट हो गए मसाले को, अब इसमें मैं ये एक कप दही है मेरे पास वो डाल दूँगी, अभी मैंने आधा डाला, मिक्स हो जाए अच्छी तरह फिर आधा डाल दूँ। ये 1, 2, 3 मैंने 4 टेबलस्पून इसमें टमाटर प्यूरी डाली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालें, अगर आपको ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा डालें। ये मैंने जो सारा दही था पूरा एक कप, आधा कप पहले डाला आधा कप भी डाल दिए, इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए। ये
तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और ये आप देखें कि ऑयल ऊपर आने लग गया है। तो अभी इसको और थोड़ा भूनेंगे ताकि और रिड्यूस हो जाए ये इसका मसाला। तो फिर इसमें कोफ्ते डालेंगे। तो मुझे लगता है ऑल टुगेदर जब मैंने इसमें प्याज डाले, प्याज के बाद मसाला, दही और टमाटर डाल और टमाटर प्यूरी जो डाली है उससे लेके अभी तक 15 से 18 मिनट हो गए मुझे ये भूनते हुए। और आप देखेंगे कितना रिड्यूस हो गया और इसका ऑयल भी अब अलग आने लग गया है। आप देखें अब बस इसकी तैयारी है कि अब मैं इसमें ये डालने शुरू कर दूँ। मेरा कोफ्ते पूरे हैं। इनको क्या करना है, इसमें पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है, मुझे बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं रखनी, तो मैंने तकरीबन आधा कप इसमें पानी डाला। और बस यहीं पे आपका इम्तिहान है, आपने इनको हिलाना नहीं है। थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। सो मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, 1 कप पानी डाला है और इसको बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल आराम आराम से मैंने इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि हर जगह इसकी कोटिंग हो जाए बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है, देखें कि ये ऑलरेडी बहुत थिक है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी थिन हो जाए, अदरवाइज ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा पक के। सो ये आधा कप पानी और गया, इसको बहुत आराम से दोबारा मिक्स किया। और अब इसको मैंने ढक के मीडियम लो पे करके और 10 से 12 मिनट तक मैंने इसको छोड़ दिया। 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको देखते हैं क्या हाल है इनका। एक दफा मैं इनको दोबारा टर्न कर रही हूँ क्योंकि कुछ ये सॉस कम है तो कुछ में फ्लेवर नहीं आया, तो मैं इनको दोबारा टर्न कर रही हूँ सबको एक दफा, ताकि ये सारी अच्छी तरह एक दफा इसमें मसाला जज्ब हो जाए बहुत अच्छी तरह। तो मैं इसको अनदर 2-3 मिनट रखूंगी, बाकी अदरवाइज ये रेडी है। अगर आपका शोरबा ज्यादा होगा, वो सोक होंगे, तो आपको जरूरत नहीं है, 10 मिनट बाद बंद कर दें। लेकिन ये देखें ग्रेवी नीचे है तो इसलिए जो सोक नहीं हुए थे वो मैंने टर्न कर दिए और मैं 2 से 3 मिनट इसको और स्टीम पे देंगे और बस। टाइम टू बंद चूल्हा, बड़े बड़े बना दिए मैंने कोफ्ते। और ऑनेस्टली ग्रेवी आपकी अपनी चॉइस है, आपने कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी है। मैंने बड़े सेहतमंद से कोफ्ते बनाए हैं, आप छोटे भी बना सकते हैं। चले आज हमारे पास स्पेशल लोग हैं आपके लिए टेस्ट टेस्ट करने के लिए। कमाल लाइवा मुझे इतनी भूख लगी हुई ओके टेस्ट कर। दिल सब हट्टे गट्टे तो कोफ्ते अपने साइज भी तो देखो ना इतने बड़े। अच्छा ये देख लें कि अंदर से ये कुक थ्रू हो चुका है। अगर इस चटपटा रियली गुड, बहुत अच्छा है, गर्म होगा।
कोफ्ते बहुत सॉफ्ट है, तो प्लीज आप ट्राई करें इस रेसिपी को और मुझे बताएं, अपना फीडबैक देते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।